सो आई वाज सेइंग कि हम लोग क्लास 10th की सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग कर रहे हैं. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लाइफ फॉर अ सोसाइटी, फॉर अ फैमिली, फॉर अ कंट्री कि पावर शेयर की जाए. जब किसी एक के पास ही पावर आ जाती है और जब उस पावर के ऊपर कोई चेक नहीं होता तो उसको हम मनमर्जी की पावर कहते हैं. दैट इज ऑलवेज एक्सट्रीमली बैड फॉर सोसाइटी एज अ कंट्री. किसी भी ढंग से वो बहुत बुरा है, बुरे नुकसान देखे गए हैं. जैसे कि नाजी पार्टी के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई थी, वर्ल्ड वॉर टू हो गया और वर्ल्ड वॉर टू हैज बीन वेरी वेरी डेवेस्टेटिंग नॉट ओनली फॉर द होल यूरोप कंप्लीट ह्यूमैनिटी बट फॉर द होल वर्ल्ड. बहुत डेवेस्टेटिंग रहा, बहुत ज्यादा उसके नुकसान रहे. इसी तरह जहां जहां पर जिस जिस देश में, जिस जिस समाज में, जिस जिस घर में एक जगह ही पावर क्या होती है, पावर टू टेक डिसीजंस एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड हो जाए, वहां पर हमेशा नुकसान देखे गए हैं. हमेशा पावर चेंज होनी चाहिए, आती जाती रहनी चाहिए, पावर चेक की जानी चाहिए, सिस्टम होने चाहिए. लकीली हमारे संविधान में, लक तो नहीं है, बहुत मेहनत की हमारे संविधान बनाने वालों ने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने बहुत मेहनत की, बहुत डेलिब्रेशंस हुई, कई देशों के संविधान से उनके एक्सपीरियंस उठाए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिया, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी सीखें लेकर एक संविधान बना. और उसमें दिया हुआ है कि कौन कितनी पावर चलाएगा, बहुत जरूरी है. तो वही है ये चैप्टर, आगे बढ़ते हैं. हियर वी गो. या कल हम लोगों ने किया था यहां तक अबाउट श्रीलंका एंड अब हम करेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम. अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब घर भी होता है, रहने की जगह भी होती है. और अकोमोडेशन का मतलब यहां पर जो आया है वो है कि हमने एक साथ एडजस्ट कैसे किया, एडजस्टमेंट. तो बेल्जियम में एडजस्टमेंट किस ढंग से हुई. अब जो बेल्जियम के लीडर्स थे, बेल्जियम के जो नेता थे, उन्होंने एक बड़ा ही डिफरेंट पाथ अपनाया. राइट, बेल्जियम के नेताओं का जो रास्ता था वो बहुत ही डिफरेंट था. वो डिफरेंट यूं था कि वो पूरे समाज को, सबको साथ लेकर चले. उनके, मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस थे, उनके समाज में भी डिफरेंसेस थे, लेकिन उन्होंने उन डिफरेंसेस को अकोमोडेट किया. राइट, दे अकोमोडेटेड दोज डिफरेंसेस. उन्होंने उन डिफरेंसेस को अकोमोडेट किया और अकोमोडेट करने के अलावा साथ साथ उनको लेकर हम लोग चले. अब क्या किया उन्होंने, जितने भी उनके रीजनल डिफरेंसेस थे उनको रेकोगनाइज किया. राइट, उन्होंने उसको रेकोगनाइज किया, पहचाना. डिनायल में नहीं रहे. डिनायल में नहीं रहे का मतलब यह है उन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं 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 कोई डिफरेंस नहीं है, हम ही हम है, हम मेजोरिटी है, हमारी चलेगी. नो नो नो, उन्होंने कहा कि हां डिफरेंसेस हैं, यकीनन डिफरेंसेस हैं और कल्चरल भी डाइवर्सिटीज है, यानी कि हम लोग अपने कल्चर में, रिवाजों में अलग अलग हैं. उन्होंने इस चीज को पहचाना और 1970 से 1993 इन 23 सालों के दौरान उन्होंने अपने संविधान को कोई 4 बार अमेंड किया, 4 बार अमेंड किया. राइट, और इसलिए अमेंड किया, अपना पूरा संविधान ही बदला, इसलिए बदला ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट बन सके, ऐसा साधन हो सके, एक ऐसा प्रयास किया कि एक ऐसा साधन बने ताकि सब लोग, एवरीवन, सब लोग एक साथ एक ही देश में रह सके. दोस्तों, यूरोप में कई देशों में सिविल वॉर चल रहा था इस दौरान, खासकर बैल्कन रीजन्स में. आप पढ़ चुके होंगे होपफुली, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, बहुत सारे वहां पर वॉर चले हैं. लेकिन बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि ये सब हमारे देश में हो. तो जो उन्होंने अरेंजमेंट किया, जो जुगाड़ किया,
वो किसी भी देश से अलग है और काफी इनोवेटिव है। इनोवेशन का मतलब ही दोस्तों खड़ी बोली में, मेरी हरियाणवी में, तो जुगाड़ होता है कि उन्होंने कुछ जुगाड़ किया, उन्होंने कुछ नया सोचा, कुछ नयापन भी होता है। हेलो मिस्टर फिजिक्स, हेलो तनु, हाय रोशन, हाय शिवशंकर, हाय जीत, हाय माय सीबीएसई टीचर, हेलो टू एवरीवन। अब जो उन्होंने जुगाड़ किया, जो मॉडल बनाया, जो उन्होंने तरीका अपनाया, उसके एलिमेंट्स क्या थे, उसकी खासियतें क्या थी, ये देखिए। सबसे पहले तो जो उनका संविधान था उसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि केंद्र सरकार में जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें डच भाषा बोलने वाले मंत्री और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्री बराबर होंगे। सबसे पहले हेलो तौफीक, हेलो रजनी, उन्होंने बड़ा सिंपल रूल बना दिया कि अगर पूरे देश में भले ही तुम्हारे ज्यादा हो, भले ही डच बोलने वाले लोग ज्यादा हो, भैया मंत्री 50 ही चाहिए अपने को। और इसी तरह उन्होंने कहा कि भले ही फ्रेंच बोलने वाले 40 लोग हों, लेकिन मंत्री 50 भेजो मिलकर, 40% 50% जितने भी लोग थे, मंत्री 50 चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं, इक्वल संख्या के अंदर लिया। और कुछ स्पेशल लॉ बनाए कि जिसमें मेजॉरिटी लोगों की सपोर्ट चाहिए थी हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से। 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, आपको याद होगा, डच थे, फ्रेंच थे और जर्मन थे। जर्मन तो सुपर माइनॉरिटी थे, 1% थे। लेकिन कुछ कानून ऐसे बनाए जिन्हें पास होने के लिए, जिन कानूनों को लागू करने के लिए तीनों भाषाओं वालों की हामी चाहिए, एक भी नाराज है तो काम नहीं होगा। ऐसा उनके संविधान में उन्होंने लिखा कि कोई भी एक कम्युनिटी कोई भी यूनिलेटरली का मतलब है अकेले, निर्दलीय, अपने आप डिसीजन नहीं ले पाएगा, सबको मिलकर चलना पड़ेगा। दैट इज व्हाट दे डिड। इसके बाद कई पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो सेंटर में, तो देखो वहां पर कैपिटल में तो फ्रेंच ज्यादा थे, तो इन्होंने क्या किया, कई पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, 2 रीजन्स की। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अगर आपको याद हो, मैं आपको वापस से पहले पेज पे अगर लेके चलूं, जस्ट अ सेक गाइस, जहां पर ये तो श्रीलंका का है, फर्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास वहां पर 2 रीजन्स थे मेजर, एक तो वेलोनिया, वेलून, और दूसरा फ्लेमिश, राइट, ये लोग थे। तो ये जो रीजन्स थे इनके अंदर उन्होंने पावर दे दी, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस तरह वहां पर उन्होंने 2 प्रोविंसेस बनाए, 2 इलाके बनाए, और इनको लोकल पावर दी कि भैया आप अपने ढंग से सरकार चलाइए, जिसकी जैसी वहां पर एथनिसिटी है, जितने जैसे लोग हैं वैसे आप सरकार चलाइए। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये सेंटर के नीचे नहीं है, बराबर हैं, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, उनके नीचे नहीं है। ये नहीं है कि सेंटर के अंदर अगर फ्रेंच है तो वो अपनी चलाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, तुम अपनी करिए। और ब्रुसेल्स जो उनकी कैपिटल है, वहां पर एक सेपरेट ही गवर्नमेंट है जिसमें दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि बराबर की भागीदारी है। अब दोस्तों इसको इंडिया से कंपेयर करें, देखो दोस्तों इंडिया के अंदर पहले वाला पोर्शन मेजॉरिटी मेंबर्स का लॉ वाला संविधान में दिया हुआ है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भारत के अंदर, उन्होंने कहा है कि भारत की, मेरे को बताएंगे व्हिच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, नो, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हर स्टेट की अपनी है, तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र में तेलुगु है, हरियाणा में हिंदी है, पंजाब में पंजाबी है, लेकिन कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा का दर्जा, यस, हिंदी को दिया है,
और संविधान में लिखा है कि कोशिश की जाए कि पूरे देश में एक भाषा हो, हिंदी का प्रचार हो, लेकिन इंपोज नहीं की गई। मिलता जुलता है। इसी तरह इंडिया के अंदर भी फेडरल सिस्टम है, राइट? अ फेडरल, गुड मॉर्निंग अमन, रोशन, मैं व्हाट्सएप नहीं पे आजकल रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं साहेब, बहुत बहुत थैंक्स। बिहार में भोजपुरी, भोजपुरी ऑफिशियल है? आई एम नॉट अवेयर। बोलने की नहीं, मैं ऑफिशियल भाषा की बात कर रहा हूं, ऑफिशियल भाषा जिसमें सारे राज के काम हो, आपके आपके फॉर्म भरे जाए, बिजली का बिल भरा जाए, बिजली का बिल जिस भाषा में आता हो। तो अब इसके अलावा अगर इंडिया में देखें, इंडिया में भी फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आजकल मोदी सरकार है, वो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को हुक्म नहीं दे सकती कि तुम ये करो। आग्रह कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, सुझाव दे सकती है, हुक्म नहीं दे सकती। जो काम, और ये काम जो है ये संविधान में डिफाइंड है कि डिफेंस का काम सेंटर का है, लेकिन एग्रीकल्चर का काम या फिर जमीन जायदाद लैंड लॉज, ये काम स्टेट का है। कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों के हैं, तो डिफाइंड है, सबके काम डिफाइंड है, कोई एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। अब इसी तरह जैसे ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट है, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा है, इट्स अ हाफ स्टेट, फुल स्टेट नहीं है उसके पास, फुल स्टेटहुड नहीं है। तो अब ब्रुसेल्स के अंदर दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको, क्योंकि वो दिल्ली में तो ज्यादा है, ब्रुसेल्स में ज्यादा है वो लोग, तो उन्होंने अपना हक क्यों दिया डच भाषा बोलने वालों को? क्योंकि उनको ये मालूम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर इनका बहुमत हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है भैया, ब्रुसेल्स के अंदर बराबर और इसी तरह सेंटर में भी बराबर, यानी कि सबको बराबरी का हक दिया। तो यहां पर लिखा है फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट की, क्योंकि बिकॉज डच बोलने वाली कम्युनिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर ली थी, ये कारण था। ओके, अब आपको मैं बीच में पिक्चर्स भी जो हैं आपको दिखाता हूं। यहां पर दो पिक्चर्स ये लगी हुई हैं, ये एक स्ट्रीट का एड्रेस है, जैसे हमारे कौन सा मार्ग नहीं होता, संसद मार्ग या फिर तिलक मार्ग, दिल्ली के ऐसे मार्ग हैं, तो यहां पर दो नामों में दिए हुए हैं, फ्रेंच एंड डच। अच्छा, बाय द वे, अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो आप रेलवे स्टेशन पे देखेंगे नई दिल्ली इंग्लिश में लिखा हुआ है, नई दिल्ली हिंदी में लिखा हुआ है, नई दिल्ली पंजाबी में लिखा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में पंजाबी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, और दिल्ली में नई दिल्ली उर्दू में भी लिखा हुआ है। लेकिन यही आप जब उड़ीसा जाते हैं तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, सॉरी न्यू दिल्ली वहां क्यों आएगा, भुवनेश्वर या कटक, वहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ऊपर, उसके बाद उड़िया में लिखा हुआ है, और फिर ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसी तरह यहां पर भी बिल्कुल सेम मॉडल हो रहा है, ताकि हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी अकोमोडेट करें। अब इसके अलावा जो मेजर था, ये मेजर आ जाते हैं कई बार, इसके अलावा एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एक तीसरी तरह की सरकार भी बनी थी वहां पे, ये सब संविधान में अमेंडमेंट्स हुई। तो ये जो गवर्नमेंट है दोस्तों, इस गवर्नमेंट का नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट? दिस इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इसको लोग चुन रहे हैं जो कि किसी एक भाषा विशेष से जुड़े हुए हैं। वहां पर दोस्तों सिर्फ भाषा का ही मुद्दा था, हमारे देश में धर्म का मुद्दा है, जाति का मुद्दा है, भाषा का मुद्दा है, अमीरी गरीबी का मुद्दा है, बहुत सारे हमारे देश में मुद्दा है। इंडिया इज अ मोस्ट वंडरफुल कंट्री एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंट्री, राइट? तो इसलिए यहां तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। अब तो इन्होंने जो कम्युनिटी सरकार बनाई उसमें लोगों द्वारा चुनी गई जो कि किसी एक भाषा विशेष से जुड़े हुए थे, चाहे डच बोलने वाले, चाहे फ्रेंच बोलने वाले, चाहे जर्मन बोलने वाले। तो ये जो सरकार है इसमें तीनों रिप्रेजेंटेशंस हैं, और इस सरकार
का जो ज्यूरिसडिक्शन थी, सरकार का जो इलाका था, वो मैटर नहीं कर रहा था कि वो लोग किस रीजन के हैं। वो कैपिटल में रहते हैं, वो वेलोनिया में रहते हैं, वो फ्लेमिश में रहते हैं, वो कहीं भी रहते हो, लेकिन मिलकर वो एक कम्युनिटी सरकार चुनेंगे। और ये जो सरकार है, ये किस पर डिसीजन लेगी? ये सरकार डिसीजन लेगी कल्चर पे, एजुकेशनल मुद्दों पे। अगर आपके कोई एनसीईआरटी में कोई चैप्टर डालना है, निकालना है, किस भाषा में डालना है, क्या करना है, उस पर डिसीजन होंगे। और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, कि कोर्ट में कौन सी भाषा चलेगी, लाइसेंस का फॉर्म किस भाषा में होगा, टैक्स का रिटर्न किस भाषा में आएगा, ये सब डिसीजन ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट दोस्तों सेंटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, सेंटर कम्युनिटी गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगी, स्टेट कम्युनिटी पे नहीं करेगी, लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट इन मुद्दों के ऊपर फैसला लेगी। तो सबको मालूम है, सबको क्लियर है कि कौन किसके अंदर डिसीजन लेगा। अब हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो खिचड़ी बना दी है बेल्जियम वालों ने, क्या खटर पटर चटर पटर है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ट्रूली स्पीकिंग ऐसा नहीं था। दिस ब्रॉट एक्सट्रीम ईजीनेस, आसानी हो गई। कैसे? क्योंकि जो लोग बेल्जियम में रह रहे हैं उनको भी ये आसान लगने लगा। और हम कहेंगे कि अभी तक ये जुगाड़ चला है, ये अरेंजमेंट्स अभी तक बहुत बढ़िया चले हैं। सफलता है ना, जब देखो दोस्तों, वहां पर ये नहीं है कि गुब्बारे चल रहे हैं, पटाखे बज रहे हैं, दिवाली मनाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं पर कोई कलेश नहीं हो रहा, अगर कहीं पर कोई दंगा नहीं हो रहा, अगर दो लोगों के बीच में भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, जात को लेकर, स्टेट को लेकर अगर लड़ाई नहीं है, मनमुटाव नहीं है, और ग्रोथ हो रही है, सबको रोटी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है यार। दिस इज द राम राज्य, एवरीथिंग इज गुड। सो देयरफॉर ये अरेंजमेंट अभी तक उनके बहुत अच्छे चले हैं। इन अरेंजमेंट से, इन जुगाड़ों से दो बड़ी कम्युनिटीज के बीच में एक सिविक स्ट्राइफ, सिविक यानी कि नागरिक मनमुटाव नहीं हुआ, और शायद एक पॉसिबल डिवीजन भी नहीं हुआ जो कि लिंग्विस्टिक लाइंस पे, लिंग्विस्टिक लाइंस का मतलब भाषा के आधार पर बेल्जियम दो टुकड़ों के अंदर हो सकता है बट जाता, लेकिन नहीं बटा। और जब सारे देश इकट्ठे हुए यूरोप के, जब सारे तो नहीं, बहुत सारे देश इकट्ठे हुए, अभी थोड़े दिन पहले ब्रिटेन हट रहा था, राइट, उनकी पार्लियामेंट ने कहा हमें नहीं रहना तुम्हारे यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसको ब्रेक्सिट कहा जा रहा था, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, बड़ी स्टॉक मार्केट्स अफेक्ट हुई थी उससे, क्योंकि उसका मानना था कि पूरी यूरोपियन इकोनॉमी को मैं फ्यूल करता हूं, चल रहा था। तो जब बहुत सारे देश यूरोप के इकट्ठे हुए यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना गया। आप कहेंगे तो क्या हुआ, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? दोस्तों किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर चुनना बहुत देखा समझा, सोचा समझा डिसीजन होता है, कि वहां पर स्टेबिलिटी है, आपस में दंगे तो नहीं होते कम्युनिटीज में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इवन ओलंपिक गेम्स के लिए भी ऐसे डिसीजन होते हैं। दोस्तों आई एम सरप्राइज्ड हिंदुस्तान में ओलंपिक गेम अभी तक नहीं हुई है। ओके, सो अब इन स्टोरीज से हमने क्या सीखा? दोनों डेमोक्रेसीज थी, यस, दोनों डेमोक्रेसीज थी, किसी में भी मिलिट्री शासक का रूल नहीं था, मोनार्की नहीं थी, एवरीथिंग वॉज ओके। लेकिन उसके बाद भी दोनों ने पावर शेयरिंग का जो प्रश्न था, मुद्दा था, उसको अपने अपने अलग अलग हिसाब से डील किया। बेल्जियम में लीडर्स को एहसास हुआ कि देश की अखंडता, अखंडता का मतलब है एकता, एक रहे, टूटे नहीं, खंडित ना हो, कि देश की एकता तभी पॉसिबल है जब आप अलग अलग समुदाय, समुदाय मतलब कम्युनिटीज, समाज, जब आप अलग अलग कम्युनिटीज और इलाकों की फीलिंग्स का और उनके हितों का, हित मतलब फायदों का आप ध्यान रखें, उसकी रिस्पेक्ट करें, राइट, यू नीड टू रिस्पेक्ट। जब हम सिर्फ अपना ही अपना देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। और इससे क्या हुआ,
जब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं यार वो भी हैं, हमें उनका भी सोचना है, जब उन्हें इस चीज का रियलाइज हुआ तो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट बने जो सबको सबको मानने थे। बोला हाँ भाई तुम्हें ओके है, 50 बंदे तुम्हारे लेंगे 50 अपने लेते हैं। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, एवरीबॉडी वॉज ओके। लेकिन श्रीलंका में जो हुआ वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विपरीत है। श्रीलंका ने हमें दिखाया कि अगर एक मेजोरिटी कम्युनिटी अपनी डोमिनेंस दूसरों पर थोपना चाहे और पावर को शेयर करने से मना कर दे तो दोस्तों देश की अखंडता के ऊपर ही खतरा आ जाता है। अंडरमाइन द यूनिटी का मतलब है कि उस पर खतरा होना, उस पर गड़बड़ हो जाना। दोस्तों जब भी हम सिर्फ देश सिविक्स पॉलिटिक्स की बात नहीं है, घरों में समाज में स्कूल में जब भी हम शेयर करते हैं यकीन माने हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं गीत गा रहा हूं आप लोगों के सामने, दिस इज ओनली आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस एंड माय नॉलेज विद यू। वी शेयर, पावर भी शेयर की जाएगी तो समाज अच्छे से चलेगा। हाँ, शेयरिंग का ये मतलब नहीं है कि एग्जाम के अंदर आप पर्चियां शेयर करते फिरे, दैट इज अनएथिकल, राइट। लेकिन दैट इज हाउ द शेयरिंग ऑफ पावर हैड रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, इस लेवल की ग्रोथ कि उसको यूरोपियन यूनियन जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर चुना गया, फाइनेंशियल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीसफुल। वहां पर गोलियां नहीं चल रही, कर्फ्यू नहीं लग रहे, बॉम्ब नहीं चल रहे, सुसाइड बॉम्ब नहीं हो रहे, लोग तबाह नहीं हो रहे, माइग्रेशन नहीं हो रही। दैट इज हाउ व्हाट हैज हैपेंड इन पावर शेयरिंग। गाइज वी स्टॉप हियर, टुमारो वी वुड स्टार्ट विद व्हाई पावर शेयरिंग is desirable. कल हम इसको शुरू करेंगे। Whatever your doubts you have, you may please ask us on Telegram. The moderator is there, Komal, my great friend. She is the boss there. वो notes भी share करती है, आपको मैंने पहले भी बताया। And Telegram का link अब की बार मैंने description में डाला है। कल दो दिन से मैंने डाला नहीं था, मैं भूल गया था। But you may definitely connect with us there. We can chat, you can ask questions. Normally, मैं बहुत late reply करता हूँ, but I will do, जैसे time मिलेगा। See you, have a wonderful time. See you tomorrow. Good day. जय हिंद।